गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आएगी। एक बार एक किसान होता है, वो बड़ा परिश्रमी और मेहनती होता है। तो वो जब भी फसल उगाता है, किसी ना किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी ओले, तो वो बड़ा दुखी होता है। हमेशा इतनी मेहनत करता है और हर बार उसकी फसल ख़राब हो जाती है, बड़ा दुखी होता है। तो वो अकेले में बैठकर आसमान की तरफ देखता है और भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया है, मुझे किस अपराध की सज़ा मिल रही है जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल ख़राब हो जाती है। कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी ओले, मेरी फसल ख़राब हो जाती है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ? आपको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है, आपके पास शक्तियां हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अगर ये शक्ति मेरे पास होती तो मैं कभी भी किसी की फसल ख़राब नहीं होने देता। तो ऊपर बैठे भगवान जी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं, तो प्रकट होते हैं उसके सामने। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, अगर तुझे शक्तियाँ चाहिए तो मैं कुछ समय के लिए वो अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देता हूँ, और तुम अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी मौसम को करना चाहो कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। कह रहे फिर तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी? किसान ने कहा नहीं। तो भगवान जी उसको शक्तियाँ दे देते हैं। तो किसान फिर से अपने खेत को सींचता है, बीज डालता है, ध्यान रखता है, फसल उगती है, उसके खेत लहलहाते हैं, खूब अच्छी फसल होती है। लेकिन जैसे ही फसल पककर तैयार होती है, उसको काटने लगता है तो वो अपना सिर पकड़ के पीटता है कि ये क्या हो गया। जब वो देखता है तो गेहूं की बालियों में हर दाना अंदर से खाली और खोखला होता है, उसके अंदर दाना ही नहीं होता। तो वो फिर भगवान जी को याद करता है कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? तो मैंने तो हर तरह से कोशिश की थी फसल अच्छी हो, लेकिन फिर भी ये खाली है। तो भगवान जी के आते हैं तो कहते हैं कि तूने जैसा कहा मैंने तुझे दिया, तूने आंधी तूफान बारिश सब रोक कर जैसा मौसम चाहा तूने अपनी फसल के अनुकूल किया, मैंने तुझे सारी शक्तियाँ दे दी थी, फिर भी तू संतुष्ट नहीं है। तो उसने कहा नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो कि आपने मुझे शक्तियाँ दे दी थी, बट लेकिन फिर भी मेरी ये फसल का दाने अंदर से खाली क्यों है, इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा इसका कारण ये है कि इंसान हो या कोई वस्तु, अगर वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ता है, संघर्ष करता है, तभी उसके अंदर बल, ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। लेकिन तूने अपनी फसल के पौधों को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने ही नहीं दिया, उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। बारिश चाहिए तो पानी चाहिए तो तूने बारिश करा दी, धूप चाहिए तो सूरज को बुलवा दिया, और छाया चाहिए तो सूरज को भगा दिया। तो ये सारा तूने अपनी सुविधा अनुसार कर लिया। तो वो फल फूल तो गया पौधे, लेकिन उसके अंदर जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत थी, बल था, अंदर से जो शक्ति थी, वो उस पौधे को प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण वो अंदर से खोखला रह गया। अब चाहे पौधा हो या इंसान, लेकिन जब वो विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ता, उसके लिए कोशिश नहीं करता, चुनौतियों का सामना नहीं करता, तो उसके अंदर से वो भी शक्तियों को प्राप्त नहीं करता, उसके अंदर भी बल नहीं आता, और वो भी अंदर से खोखला रह जाता है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भगवान जी से क्षमा मांगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह उस पौधे को अंदर से बल ना मिलने से, विपरीत परिस्थितियों का सामना ना करने से, अंदर से वो पौधे खाली रह गए, उसमें दाने नहीं हुए, तो अगर बच्चे भी अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो वो भी, उनका शरीर बड़ा होता है, शरीर से सिर्फ बड़े होते हैं, दिमाग से नहीं, और वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो भी ज्ञान के मामले में अंदर से खाली और खोखले रह जाते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों से हमें लड़ना पड़ता है, चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा हम ज्ञान से रहित रह जाते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।